गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नूं सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां जनरल हाउस चोणां जल्द तो जल्द करवाउण दी मंग कीती है। गृह मंत्री नूं उन्हां दे वल्लों इह अपील कीती गई है कि चोणां जल्द करवाईआं जाण क्योंकि पिछले कई सालों तो यह चोणां लटक रहीआं ने। केंद्रीय मंत्री उत्तरी जोनल कौंसल की 31वीं मीटिंग दे विच शामिल होण लई शहर दे विच दौरे ते आए सन। देश दे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इत्थे श्री अमृतसर साहब की धरती ते पुज्जे होए आ। कई स्टेटां दे चीफ मिनिस्टर भी ने, पंजाब दे भी ने, तो श्री अमृतसर साहब की धरती ते साडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी हैडक्वार्टर आ। आप सारिआं नूं पता ही है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो एक्ट 1925 का बनया, उहदियां जिहड़ियां चोणां ने वह पिछले 12-13 साल तो जिहड़ा हैगा डिले ने। असीं अज इत्थों साडे देश दे गृह मंत्री साहब नूं अपील करांगे कि जिहड़ियां चोणां ने उह तुरंत करवाईआं जाण। सिख जथेबंदियां सिख संगतां दी मंग आ पिछले लंबे समें तों कि जे विधानसभा दीआं चोणां 5 साल बाद हो जांदियां, पार्लीमेंट दीआं 5 साल बाद हो जांदियां, होर जिन्नियां वी चोणां ने उह सारियां 5 साल बाद हो जांदियां, तां साडीआं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीआं चोणां जिहड़ियां उह डिले क्यों कीतियां गईआं ने, उह ड्यू क्यों ने। ये साड़ी तकरीबन सारिया सिख जथेबंदियां दी मंग आ। अज गृह मंत्री साहब श्री अमृतसर साहब की धरती ते भी आए हुए आ, तां उहनां नूं श्री अमृतसर साहब की धरती तो ही असीं जिहड़ी अपील करदे आ कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जिहड़ी चोण है वह तुरंत जिहड़ी हैगी आ उह कराई जावे। तुसीं पिछले दिनां च देखिआ कि जो पंजाब दा फाइनांस मिनिस्टर रहा अकाली सरकार वेले भी और फिर कांग्रेस सरकार वेले भी, और जिहड़ा बड़ा दमगजे मारदा सी कि मेरी कोई भी जांच कर लो, मैं आप गड्डियां च तेल पवाया, आप मैं ड्राइवर भी नहीं लिया, ड्राइवरी मैं करदा रहा, तो मैनू किसी तरह की गिरफ्तारी का डर नहीं, जिथे मैनू मुख्यमंत्री पंजाब सदे मैं उत्थे आके गिरफ्तारी दे देंगा। पर बड़ा दुख महसूस होया कि उहदी कहनी करनी दे विच एडा वड्डा अंतर निकलिया, जिहड़ा अपने आप नूं जिहड़ा बड़ा बेदाग लीडर कहाउंदा सी मनप्रीत सिंह बादल, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਦ ਲਓ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ।